एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पर गिरने का खतरा सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल में कुल 35 मंत्री शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि मंत्रिमंडल पर ही ये सरकार टिकी हुई है। जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार में कई ऐसे विधायक थे जो मंत्री पद न मिलने के बाद नाराज थे, और यही नाराजगी कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार पर भारी पड़ी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दी है। ये सरकार अल्पमत में आई और ये सरकार ने इस्तीफा दिया। लेकिन अब बीजेपी सरकार यानी शिवराज सरकार चौथी बार यहाँ पर मुख्यमंत्री पद यहाँ पर संभाला है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस जो यहाँ पर बागी विधायक हैं उनमें खींचतान जारी है। और इसी खींचतान के बीच बड़ी खबर यहाँ पर है कि ये सरकार भी कुछ दिन की मेहमान सामने आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो कई ऐसे बीजेपी विधायक हैं जो कि मंत्री पद को लेकर अब दावा रख रहे हैं कि उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। जिनमें से अगर बात करें तो 22 जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर 22 में से खबर है कि 10 से 12 यहाँ पर मंत्री जो है सिंधिया खेमे से भी बनाए जाएंगे। तो क्या होगी पूरी रणनीति, किनको यहाँ पर मंत्री पद दिया जाएगा? और मंत्री पद अगर नहीं दिया जाता है तो ये सरकार गिरने का खतरा भी है, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने साफ तौर पर कहा था इस्तीफा देने से पहले, आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है, साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक यहां पर कमलनाथ सरकार के संपर्क में हैं। अगर मंत्री पद बीजेपी विधायकों को नहीं मिलता है तो ये सरकार में भी काफी यहाँ पर फूट देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर बात की तो यहाँ पर जो मंत्री पद के नाम सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, उनमें कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं, जिनमें अगर बात करें सिंधिया खेमे से कितने मंत्री यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, इस पर भी यहाँ पर जो है खबर सामने आ चुकी है। और यहाँ पर जो मंत्री है उनमें से खबर है कि जो पुराने यहाँ पर दिग्गज नेता है बीजेपी की तरफ से, उनका कद बढ़ना तय है। लेकिन जो बीजेपी यहाँ पर विधायक है उनमें कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद चाहते हैं, अगर उनको मंत्री पद नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा, आगे आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे। देखिए गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, ये तीन बड़े दिग्गज यहाँ पर हैं जिनका कद बढ़ना तय है और इन्हें मंत्रालय में बड़ा यहाँ पर पद मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर गोपाल भार्गव जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे हैं, लेकिन इस बार उनको काफी महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। वहीं नरोत्तम मिश्रा को यहाँ पर नंबर दो की भूमिका मिल सकती है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह का भी कद बढ़ सकता है, जो पिछले कार्यकाल में अच्छा उनका यहाँ पर योगदान रहा था, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर शिवराज सिंह है उनके काफी करीब भी माने जाते हैं, तो उनको भी काफी बड़ा पद यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा विश्वास सारंग राजमंत्री से कैबिनेट मंत्री दर्जा यहाँ पर पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और आंकड़े दिखाएं, संजय पाठक को भी राजमंत्री से कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बनाया जा सकता है, जालम सिंह पाटिल को भी कैबिनेट मंत्री में जगह मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो अरविंद भदौरिया को भी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। इसके अलावा अगर आंकड़े और दिखाए, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय के कोटे से कमल पटेल भी मंत्री यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विंध्य रीजन से राजेंद्र शुक्ला दावेदार, बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। केदार शुक्ला, नागेंद्र सिंह और ग्रीस गौतम में से किसी एक को यहाँ पर मंत्री पद यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भोपाल से रामेश्वर वर्मा, मोहन यादव, यशपाल सिंह सिसोदिया और मीना वर्मा में एक बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन किसको यहाँ पर मंत्री मिलेगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर मंत्री नहीं मिलते हैं क्योंकि कैंडिडेट बड़े हैं तो ये सरकार पर काफी कुछ निर्भर करता है। वहीं सिंधिया खेमे से बड़े दिग्गजों को यहाँ पर मंत्री बनाना तय है, जिनमें से 6 मंत्री जो यहाँ पर इस्तीफा दिया है उनके पद यहाँ पर मंत्री पद तो दिया जाएगा ही। लेकिन अगर बात करें तो 4 और नए यहाँ पर नामों पर सहमति बन रही है। इन 4 मंत्रियों के नाम हो सकते हैं जिनमें आदिवासी चेहरा विशासुलाल, हरदीप सिंह डंग, ऐदल सिंह कसाना। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो राजवर्धन दंतीगांव का नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जो खबरें हैं उनके अनुसार आपको यह जानकारी दिखा दी है। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सरकार जो है मंत्रिमंडल का एक बैलेंस तौर पर यहाँ पर गठन करेगी, जिससे ये सरकार आने वाले समय में चलती रहेगी, या फिर आने वाले चुनाव जो भी उपचुनाव होंगे उन पर भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका में होने वाले हैं, तो उससे भी क्या आपको लगता है कि ये सरकार ज्यादा चलेगी या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली जानकारी का नॉलेज आपको टाइम टाइम मिलता रहे।